नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही में एक 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो पुराने विवाद में हत्या हुई है, जबकि बनगांव थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि हत्या हुई है, गोली मारी गई है या चाकू अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही यह पता चल सकेगा। अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है जी, अनुसंधान का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किस चीज से हत्या की गई है? अभी तो निशान जो है एक धारदार हथियार जो है आपका चाकू का गोदा हुआ निशान देखा जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाया अभी तक? अभी तो कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। एक घंटा पहले जो है हमारा कल के मामा जे की हमारा 2000 रुपया चाहिए, अब बस हम बाजार अलिये बच्चा के साइकिल कसाबे ला, तब तलिक में एकर बहन फोन कलके मामा हो भैया आपके गोली मार दलके, तुरंत हलचल भए गेले। तब तलिक में घर में जाके हम कहलिए बरियाही में गोली मार दलके रंजीत के, से न सब आदमी सब दूगो टेम्पू का रिजर्व करके मोटरसाइकिल से सब अलिये एकरा देखे ला। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अब छोटे मोदी ने भी एंट्री मार दी है। शहर में लोगों से कमल के लिए वोट की गुहार लगा रहे सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि सोनम देवी को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश लालू पर तंज कसते हुए कहा कि तीनों के मिल जाने के बावजूद मोकामा की जनता अनंत कुमार सिंह से मुक्ति चाहती है। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार आपसे अलग हुए और उसके बाद ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ आंकती है, आप अपने आप को खुद कहाँ आंकते हैं? हम दोनों भारी मतों से जीतेंगे, आगे भी प्रोग्राम है। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि मोकामा में तो लालटेन जलने जा रहा है, मोकामा गोपालगंज। देखिए, मोकामा में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 33 साल के कब्जे को खत्म कर देंगे। अगर लालू नीतीश मिल जाए तो यहाँ की जनता अनंत सिंह से मुक्ति चाहती है और इसलिए लोग भीतर ही भीतर जबरदस्त उत्साह है। और लोग इस बार जब परिणाम आएगा 6 तारीख को तो ललन जी को मालूम पड़ जाएगा कि मोकामा की धरती ये क्रांतिकारी धरती है, जहाँ कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। खबर मसौढ़ी से है, जहां जो जो छठ पर्व नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पटना गया रेलखंड में चलने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में यात्री भेड़ बकरियों की तरह यात्रा कर रहे हैं, यहां तक कि यात्री अपनी अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। गोपालगंज जिले में शराब पकड़ने जा रही पुलिस की नाव गंडक नदी में पलट गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी डूब गए। 3 पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, वहीं 1 पुलिस जवान की डूबकर मौत हो गई। मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दुखद हादसा हुआ है जिसमें हमारे गोपालगंज पुलिस के एक जवान की मृत्यु हुई है। आज शराब की एक जगह से सूचना थी, यादवपुर थाना अंतर्गत मिराजबाही गांव पड़ता है, गंडक नदी के किनारे, और हमारी टीम एक नाव पर सवार होकर जा रही थी और नाव डिसबैलेंस हो गई, जिसमें हमारा एक जवान उस नाव के नीचे ट्रैप हो गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग लोकल गोताखोर के माध्यम से बॉडी को रिकवर किए। यादवपुर थाना अंतर्गत एक जगह पर शराब की सूचना कुछ प्राप्त हुई थी, उसी के वेरिफिकेशन एवं रेड के लिए हमारी टीम जा रही थी, जिसमें 15 मीटर करीब चौड़ी नहर को पार करना था और उसमें 4 लोग नाव पे सवार थे, जो कि नाव अचानक बैलेंस खराब होने के कारण से पलट गई, जिसमें 3 लोग सुरक्षित रहे। लेकिन अफसोस है कि मेरा एक जवान अपनी जान नहीं बचा पाए और हम लोग अभी हॉस्पिटल में उनको लाए हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हम लोग उनको फ्रीजर में अभी बॉडी को रखा है, उनके परिवार वालों को हम लोगों ने सूचना दिया है, आते हैं फिर पोस्टमार्टम होगी और उनको सलामी के साथ और जो प्रक्रिया है पूरे रेस्पेक्ट के साथ हम लोग बॉडी को यहाँ से विदा करेंगे। तो क्या वो जांच होगी कि छोटी नाव थी और कैसे हादसे हो गए, कैसी प्रशासन जाँच कराएगी? हम लोग उस पर भी देख ले रहे हैं एहतियातन तौर से भी, और कि किस तरीके से मामला हुआ है, ताकि हम लोग भविष्य में और सचेत हो सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें।
एक तरफ जहां मसौढ़ी में डेंगू की डंक से लोग दहशत में है, तो वहीं तारेगना रेल परिसर में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, जो बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कूड़े कचरे को उठाना रेल प्रशासन मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में डेंगू ने मसौढ़ी को पूरी तरह से आगोश में ले लिया है। अब देखना यह है कि इन कूड़े कचरे को लेकर रेल प्रशासन की नींद कब खुलती है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सरिसब, उड़ेन, त्योथ, बरहा, डुमरा, संसार चौक एवं ढंगा समेत विभिन्न गांवों में काली पूजा काफी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। पूजा के आयोजन से माहौल आध्यात्मिक व भक्तिमय हो उठा है। काफी संख्या में भक्त मां कालिका के दरबार में पूजा अर्चना को पहुंच रहे हैं। भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे मां के जयकारों से माहौल गुंजयमान बना हुआ है। साथ ही संध्याकालीन महाआरती में काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता चक्रम विमानम त्रिशतमहि करे वहन्तीं त्रिनेत्रां शिखरकर्णाधिरूढां त्रिभुवनम् अखिलम्। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली में स्कॉर्पियो वाहन की चपेट में आने से करहारा गांव के मोहम्मद अब्दुल वाजिद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बाइक से घर करहारा से गुलरिया टोल सोयली पाली होते हुए बसैठ की ओर जा रहा था, जहां तेज रफ्तार से बेनीपट्टी से बसैठ की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने वाहन बाइक सवार को कुचल दिया। पटना के दारोगा राय पथ में हम पार्टी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने किया। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री पार्क बनाओ संघर्ष मोर्चा ने पटना के इको पार्क का नाम स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री पार्क रखे जाने की बात कही है। देखिए, हम लोग जो जैसा रंजन सर ने कहा कि हम लोग पिछले दिन भोला पासवान शास्त्री का जयंती मनाए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि भाई जो बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो एकदम गरीब घर से संबंध रखते हैं, जिनका ना कोई आगे था ना कोई पीछे, एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से राजनीति में आए और संघर्ष कर उन्होंने तीन बार बिहार का सीएम रहे और सेवा किए बिहार को, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके नाम पे जो है भोला पासवान शास्त्री जी का हम लोग नाम रखे इको पार्क को।
इको पार्क के, और सर बीते जयंती में और हमारे हिंदुस्तानी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मांझी साहब, वो भी उन्होंने भी कहा कि हम इस मांग को पूरी तरह से जो है बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने हम रखेंगे, और कहीं ना कहीं आप लोग जो तैयारी कीजिए, हम इसको लेकर के हम सीएम साहब भी मिलेंगे सर भी थे, और हम लोग जो है कमेटी बनाए हैं, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और इसको जमीनी स्तर पर संघर्ष मोर्चा जो है इसको हम खड़ा करेंगे, और निश्चित रूप से हम चाहें कि हमारी मांग पूरा करे बिहार सरकार। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के कैसे विभूति थे, जो दलित समाज से आते थे, और लगातार उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनकी स्मृति में, उनकी कीर्ति में बिहार की धरती पर हम लोग एक पहचान बनाना चाहते हैं। उस बैनर के तहत स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री पार्क संघर्ष मोर्चा के तहत आज हमने कार्यालय खोले हैं, और जब तक उनके नाम पर पार्क नहीं खुलता है यह मोर्चा संघर्ष जारी रखेगा, और पूरे बिहार में इस बात से समाज के लोगों को जो दलित समाज के हैं, अंतिम पैदान पर हैं, उनके विकास के लिए ये उनकी यादगार में हम लोग ये चाहते हैं पार्क का नामकरण किया जाए, ताकि उनके गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखा जाए। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब छठ पर्व के लिए बनने वाले चूल्हे के लिए मिट्टी लाने गए लगभग 3 बच्चों समेत लगभग 15 लोग मिट्टी धसान की चपेट में आ गए। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मतलब माटी कोर रहा था, मतलब नीचे मतलब ज्यादा गहराई था, ऊपर से मतलब खाली हो गया था नीचे, मतलब एक धसना गया, उसमें जो कि लगभग 15-20 आदमी फंस गया था, उसमें फंस गया था, कुछ मतलब बाहर था कुछ अंदर था, क्योंकि बच्चा जो तो छोटा वो मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था, मतलब उसको थोड़ा सब मिल के, हाँ जो जितना भी सदस्य का टीम था जो सफाई सुथरा में लगा हुआ था सब मिल के मदद किया, और यहाँ का समाज सब सपोर्ट किया, जो कि बच्चा को निकालने में सक्षम हुआ सब, मतलब किसी का हाथ टूट गया, किसी का डांट टूट गया, मतलब नॉर्मल है लेकिन बच गया सब। कितने बच गया? हाँ, कितने लोग हैं? 15-20 लोग था, लेकिन उसमें 7 लोग अंदर में था, 7 लोग गंभीर स्थिति में, तो उसमें बच्चे भी थे, नहीं कह सकते हैं कितना अंदर में क्या, लेकिन जितना भर मेरे को कोशिश हुआ सब मिलकर। अच्छा, बच्चे भी थे उसमें? हाँ, बच्चे भी थे। कितने बच्चे हो? लगभग 2-3 बच्चे थे। नाम उन जानते हैं किन्हीं का? नाम सत्यम। एक सेकेंड, क्या क्या नाम है? एक लड़का का नाम सत्यम था, और एक का नीतीश, और एक का छोटू। ये सब कौन है? हाँ, ये सब निकल गया, लाखों निपनिया और दुर्गा स्थान का बच्चा। अच्छा, इसमें महिलाएं भी हैं? हाँ, 4 महिला। 4 महिला है? हाँ। सब कहाँ है अभी? सब हॉस्पिटल इलाज कराने। हाँ। आप लोग मददगार हैं? हाँ, सब। कटिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डर्टी डांस की महफिल सजा ली गई। डर्टी महफिल का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह डर्टी डांस कार्यक्रम वाला वीडियो कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बलवा और सेमापुर बालूघाट के समीप की है। बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके से जुड़े दोनों थाना क्षेत्र बरारी के बलवा और सेमापुर के बालूघाट में दूर दूर तक ना कोई काली पूजा का आयोजन है और ना ही कोई शक से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। में गलत कुर्ती चल रहा है, और इससे प्रभाव पड़ेगा, जो टीनेजर बच्चा है, लड़की है, इस सब पे असर पड़ेगा। लड़का लोग देखता है वही छीटा किसी करता है, उसी तरह गाना गाता है, साफ यह सब बंद हो जाना चाहिए। करना ही है तो भक्ति भजन करे, जागरण करे, बहुत तरह का है, जागरण के नाम पर लाता है, थाना मैनेज कर लिया, किसी प्रकार से अपना पूरा का पूरा अश्लील डांस करता जो है, वो समाज में सिर्फ बुराई का संदेश देता है। प्रशासन चाहे तो बंद हो सकता है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है तो प्रशासन समझे। पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में मजदूरों को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डेहरी के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र की यह घटना 19 अक्टूबर की बताई जा रही है। घटना के 1 सप्ताह बाद रोहतास पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों में प्रमोद तिवारी लोधी बराओ का रहने वाला है, वहीं दरिहट निवासी राकेश कुमार भैसहा के मोतीलाल सिंह समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर पहले से भी कई मामले दर्ज है। बता दें कि 19 अक्टूबर की रात अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के महुवरी के पास एक पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में लूट की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था।
बेगूसराय में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार दो महिलाओं को रौंद दिया, जिससे बाइक पर सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक चला रहे युवक बाल बाल इस हादसे में बच गए। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के बथौली चौक के समीप की है। घटना हुई है कि सुबह में ये 4 बजे सुबह जा रहे थे गंगा नहाने और इनको रोड क्रॉसिंग करते हैं और नेपाल नंबर से गाड़ी थी जो ठोकर में। कहाँ की घटना है? घटना है कोपरौर के शिवा पेट्रोल पंप। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में रामरेखा घाट समेत गंगा घाटों पर लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लिया। बिजली, शौचालय, सफाई, सुरक्षा, गोताखोरों, स्वास्थ्य सुविधा आदि की जानकारी भी ली। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज़। नमस्कार।